जैसा कि आप लोगों ने आखिरी एपिसोड में देखा था कि मैं शशांक, मुझे डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डिसीजन लेने में, कि मैं घर जाऊंगा या फिर मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर यहीं रुकूंगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इट्स लाइक काइंड ऑफ कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहा हूँ, लाइक किसी से भी बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके आगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। तो टुडे इज 22 जुलाई 2020। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 6 से 8 दिनों से मैं घर जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बट जा नहीं पा रहा हूँ। लेट्स ट्राई वंस अगेन, आज फिर से आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ परी चौक। पहले सबसे पहले परी चौक पहले मैं बस देखूंगा, अगर भैया स्पेस मिल गया, सही मतलब सिक्योर स्पेस मिल गया तभी जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। क्यों भैया, जहाँ है तो जहाँ है, सीधी सी बात है। और मैं पता नहीं, मैं अजीब सी मतलब जीव जो है ना, मेरे फंबल कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों, बट लेट्स गो। और वैसे भी देखो, ये वाला बैग मेरा बहुत बेजान है क्योंकि इसके अंदर लैपटॉप है और प्लस बुक्स हैं मेरी, और ये वाला बैग है जिसके अंदर कपड़े हैं। और यार देखो यार, नेट ले जाने की मैं कोशिश कर रहा था, ये रखी हुई लेकिन नहीं लेके जा सकता, बहुत सामान है। अब तो फिलहाल के लिए ना देखो, अभी 6 बजने वाले हैं एंड 6:30 बजे अपनी जो है भैया बस है, तो फटाफट से इनको लॉक करते हैं, फटाफट से निकलते हैं। और देखो, ये लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट टाइम मैं कहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इससे पहले मैं केवल एक बार मैं घर से निकला, तो आई मीन लाइक सेक्टर के बाहर एक बार निकला था, जब आया था परी चौक में इंस्पेक्शन करने के लिए कि भैया मतलब कैसे कैसे बसें जा रही हैं, ठीक ठाक जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। ये मेरा सेकंड टाइम है और इस बार एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा छोड़कर कहीं जाऊँगा। सो पहुँच तो जल्दी गया हूँ, 6:05 हुए, 6:30 बजे अपनी बस आएगी, तो मतलब अभी मस्त आराम से बहुत टाइम है। एक घड़ी यही वाली बस तो नहीं है। एंड मैन, कितनी तेज़ से गर्मी है भाई साहब, इतनी सुबह सुबह, एक तो इतनी तेज़ गर्मी है प्लस मास्क लगा के रखवा तो अंदर ना अंदर ही अंदर गर्मी सी लग रही है, क्वाइट थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ तक अंदाजा है कि भैया बस में हमें खिड़की वाली बस मिल जाए, बस में हमें खिड़की वाली सीट मिल जाए एंड मस्त आराम से फिर हवा लेते हुए चलेंगे। देखो मैंने पता, मैंने प्लान सोचा है कि अगर मुझे लेट सपोज अगर मुझे जगह नहीं मिली तो मैं 2 लोगों की मैं टिकट खरीद लूँगा एंड जो 2 वाली जो सीट होती है ना उस पर मस्त आराम से अकेला बैठ के जाऊँगा भाड़ में या दुनियादारी। भैया रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना ज़िंदगी में। बैग के अंदर भी अपना देखो मैंने रखा हुआ है सामान, खाने के लिए बिस्किट है, कुरकुरे के पैकेट रखे हुए हैं एंड पानी की बॉटल भी रखी है। ये सारा सिस्टम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि भैया देखो रास्ते में कुछ नहीं खाने वाला हूँ, और देखो सुबह सुबह सर भूख भी लगी है, मैं पहुँचूंगा दोपहर के आई थिंक 1:30-2 बजे के आसपास घर पर, तो तब तक भूख तो लगने वाली है क्योंकि लंच भी एंड ब्रेकफास्ट का भी मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का ही टाइम हो जाता है। सो भूख तो लगने वाली है लेकिन कोई नहीं, अपने पास में पूरा सामान तैयार है एंड पानी की बॉटल भी है तो कोई टेंशन नहीं होगी। लेट्स गो भाई सब, पिछले आधे घंटे से यहाँ पे खड़े खड़े लग गए लंका एकदम, मतलब कंधों में ना दर्द होने लगा, एक तो इतना भारी बैग है ना कंधों पर, और दूसरी चीज़ मुझे उम्मीद लग नहीं रही कि मैं पहुँचने वाला हूँ क्योंकि बस अभी अभी निकल के गई है मेरे सामने से, इधर से मतलब राउंड अबाउट से वापस आएगी, तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मैं पहुँच पाऊँगा, पूरी बस भरी हुई लग रही थी। एंड मैंने पहले बोला था, मैं भाई मैं सिक्योरिटी के साथ में अपनी सेफ्टी के साथ मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे पैसे मैं ना पहुँचूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं बाहर मैं फंसा नहीं हूँ, मैं अपने आराम से मैं रूम पे रुकूँगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी भैया, बस आ गई अपनी है भाई, वाह ये भरी हुई है, मैं नहीं पहुँचता ना भाई, मुझे लग नहीं रहा ये लोग, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ इस बस से बिल्कुल भी क्योंकि हर एक सीट पर सारे सारे मेंबर बैठे हुए हैं। देखो भैया, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ इस बस से बिल्कुल भी क्योंकि हर एक सीट पर एक एक मेंबर बैठा हुआ है एंड वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि भैया अपनी सेफ्टी सबसे पहले अपने पास में आती, तो जो कि मैंने पहले से मेंशन करके रखा था। लेट्स सी, अभी एक बार मैं घर पर बात करके देखता हूँ, कुछ और अगर जुगाड़ मिलती है तो वो चीज़ फिर मैं ट्राई करूँगा, नहीं तो फिर वापस अपने रूम पर तो चलना ही है ना। लेट्स सी देखते हैं। हाँ जगत, हाँ 10 रुपये ना, 20 रुपये सवारी भैया, 10 रुपये लगती है, पहले लगती थी भैया मना, बड़े भाई सुबह सुबह आया हूँ, सुबह सुबह ही आया हूँ, 10 रुपये लगती है, मतलब कोई बात नहीं सर, ठीक है। हाँ जी भैया, तो सुबह सुबह की अपडेट ये है कि मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रूम पे, रात को देखूंगा सिस्टम की, अगर रात को अगर जाऊँगा तो जाऊँगा, नहीं तो ऐसे मैं रिस्क ले करके मैं नहीं जाने वाला हूँ। सो लेट्स सी
लेट्स गो बैक टू रूम, कुछ काम धंधा देखें। मैंने घर वालों को इसलिए पहले बोला था, मैं नहीं आ रहा हूँ भैया, बहुत मुश्किल से बस मिली, बट नहीं ट्राई कर, मैंने ठीक है कर लिया ट्राई यार, मैं क्या करूँ, नहीं मिली बस। वैसे अच्छा ही हुआ कि यार मैं वापस आ गया, क्योंकि देखो मैं अपना माउस बाहर भूल गया था, और प्लस ये जो कपड़े हैं ये मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये फंसाता हूँ, ये जो लाइट आती है ना, मेरे को रूम के अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, मेरे को अंधेरा चाहिए होता है, सो इसीलिए ये वहाँ पर लगाते हैं। और प्लस एक और चीज़ मैं भूल गया था आप लोगों को बताना, मैं भूल गया कि इसका जो कवर होता है ना, लेंस कवर कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये वाला लेंस कवर भी मैं यहीं पर भूल गया, मैं परी चौक जाकर के मैंने देखा कि यार लेंस कवर भी नहीं है, तब याद आया ओ मैं तो रूम पे बोला, कोई बात नहीं चलो ठीक है ऐसे ही काम चला रहे हैं, कुछ ना कुछ कपड़ा बांध के मुझे चलाना पड़ेगा, मतलब हम इंडियन हैं तो जुगाड़ तो चलानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही होना था भाई साहब। देखो जिस चीज़ की आशंका क्या थी यार, देखो जिस चीज़ को मैं पहले देख कर गया तो मतलब कहीं ना कहीं आइडिया लग गया था कि भाई साहब जो है भीड़ होने वाली है, तो और हुआ ना हुआ वही हुआ कि भाई साहब इतनी मतलब ठूस के भर के मस्त आराम से ले गया, अपनी अपने आप को देखो जिंदगी प्यारी है, तो अपन आ गए वापस। लेकिन बात ये कि अभी जो है जाने की, ये नहीं कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इसलिए सामान अभी फुल्ली जो है पैक्ड रहेगा, केवल लैपटॉप निकाला है, और जो घर पे जो जैसे रूम पे पढ़ने पढ़ाने के लिए या फिर पहनने पहनाने के लिए जो कपड़ों की जरूरत पड़ती है वो निकालूंगा, नहीं तो अभी चलते हैं यार, अभी बज गया भैया देखो 8, तो अभी चलते हैं, जरा दूध लेकर के आते हैं एंड केले लेकर के आते हैं, अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि देखो ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए, भूख वैसे भी बड़ी गंदी वाली लग रही है, सुबह 8 बज गए यार, तो चलो। हाँ जी भैया, तो अपना ब्रेकफास्ट तो देखो हो गया रेडी, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या लेता हूँ, एक गिलास मेरा हॉर्लिक्स मिला हुआ दूध, प्लस एक गिलास के लिए कॉफ़ी, जल गया बहन, एंड ये 4 केले, ये अपना रहता है ब्रेकफास्ट। हाँ जी भैया, तो देखो जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर मैं शूट कर रहा हूं जो मतलब मैं क्या ही बोलूं, 7:30 बज गए हैं एंड 8 बजे का मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि भैया 8 बजे वीडियो आ जाएगी, तो वो तो नहीं आ पाने की, रीज़न बता देता हूं कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। देखो कल रात मैं पूरी रात नहीं सोया था, तो भैया सुबह मतलब ठीक है आ गई नींद, और अभी अभी 7 बजे मतलब 6:50 के आसपास मेरी आँख खुली है, फिर मैं उठा आँख में पता नहीं क्या हो गया, ये मैं समझ रहा कि मैं रो रहा हूँ या आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता, मैंने पानी भी डाल के निकालने की कोशिश कर ली बहुत, बट वो ये ना कि बार बार आंसू आ जा रहा, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है अभी। बाकी का यार वीडियो जब मैं एडिट कर रहा था उसमें एक ग्लिच मुझे दिखा था, जो मैंने जैसे वो जो बस वाला जो शॉट दिखाता है ना कि ये वाली बस जो है ये पूरी भरी हुई है, हाँ वो पूरी भरी हुई थी, आई नो कैमरा के अंदर वो आपको दिख नहीं रहा था, बट सारे सारे सीट पर एक एक मेंबर बैठे हुए थे, और उसके बाद में और भी सवारियाँ चढ़ी थी जब मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जब वो बस आई थी तभी मैंने बस वो वाला शॉट लिया, उसके अलावा और कोई शॉट नहीं लिया था। और देखो यार जाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से 100% 1000% मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन वही चीज़ें जब बीच में यार सेफ्टी वाला मेजरमेंट आ जाता है तो उसमें फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जैसे मैंने चाचा जी को अभी मेरी बात हो पाई, दिन में मैंने ट्राई किया था बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करो मुझे 10-15 मिनट दो, तो मैं बताता हूँ कि लाइक बस अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो मतलब उसमें जो तुमने बोला है कि भैया सेफ्टी वगैरह का उस हिसाब का वो सिस्टम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि भैया कैसे जाना कैसे नहीं जाना, या जाना है या नहीं जाना है। आज का क्या जिंदगी में ना कितना भी मजबूत रिश्ता हो वो टूट जाता है, क्योंकि हम हर रोज उस रिश्ते के बारे में एक न एक बुरी चीज़ सोचते हैं और एक न एक अच्छी चीज़ भूल जाते हैं। ट्रू स्टोरी मैन। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs.